मुख्यमंत्री कमलनाथ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। कमलनाथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी भाइयों के मूल धारा में लौटने का मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं वह निंदनीय है, यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। वे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यदि RSS ने आदिवासियों को उनकी अनादिकाल की मान्यताओं के खिलाफ कोई काम किया तो वे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए और क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले भी सनातन धर्म के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है और कमलनाथ जी अब इस खिलवाड़ को बंद करें। उन्होंने कहा कि आदिवासी आदिकाल से सनातन संस्कृति हिंदू धर्म का अभिन्न अंग रहा है, यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासी वनवासी समाज के भाइयों को हिंदू धर्म से भिन्न बताना और उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा यह भी कहा जाना कि आदिवासियों के मूल धारा में लौटने पर कार्रवाई करेंगे, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। त्रेता युग से लेके द्वापर युग से लेके सारे युगों में हम देखते आए हैं कि हमारे सनातन धर्म को सबसे ज्यादा पल्लवित पोषित किया है, आगे बढ़ाया है तो आदिवासियों ने ही बढ़ाया है। ऐसे आदिवासी समाज के लिए हिंदू धर्म से भिन्न बताना और उसके बाद यह भी कहना कि हम कार्रवाई करेंगे यदि आपने अपने आप के लिए हिंदू बताया तो, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं होगी। मैं कमलनाथ जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि पहले भी हिंदू धर्म के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है, अब कृपा करके इस खिलवाड़ को बंद करें। और यह जो सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहा है और ईसाइयों के इशारे पर यह सब हो रहा है, इसके लिए तत्काल प्रभाव से बंद करें। भार्गव ने कहा कि गरीब वनवासी शबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए थे। हमें देखने को मिलता है कि हमारे सनातन धर्म को सबसे अधिक पोषित और पल्वित करने का काम वनवासी वर्ग ने किया है। ऐसे आदिवासी वनवासी समाज के भाइयों को हिंदू धर्म से भिन्न बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। भार्गव ने कहा धर्मांतरण को लेकर चिंता कर इसे रोकने की आवश्यकता है, जबकि मुख्यमंत्री इसके विपरीत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ सनातन धर्म की परंपरा का अनुसरण करें और अध्ययन करें, उसके बाद ही कुछ बयान जारी करें। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के इशारे पर कमलनाथ धर्मांतरण को बढ़ावा देने का जो काम कर रहे हैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।